So we are going to discuss secret of success in IT industry. My profile has been already been discussed. Gained UGC, some of the paper that I have published, MCA from Delhi University, Hansraj College. I also did psychometric testing to assess the personality of the individual and did some art of living courses and also did some technical certification like this. क्या लगता है? कोई guess करना चाहेगा? What would be the secret of success? Be interactive. और कोई पॉइंट? व्हाट इज इट? इंटरेस्ट और स्मार्ट कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस, स्मार्ट वर्क, विल पावर, शार्प माइंड. कट तो नहीं जाएगा ब्लैकबेरी की तरह. और आइडिया कैन चेंज योर लाइफ. और even though all of you know what is the secret of success, कितने लोग इसको apply कर रहे हैं? 1, 2. अब 10 मिनट बाद भी बाकी हाथ नहीं खड़े होंगे, because we know हम apply नहीं कर रहे हैं. तो usually जब हम apply नहीं करते, we all know almost all the things. But जब हम apply नहीं करते हैं, क्या होता है? कॉलेज कंप्लीट हो जाता है एंड वी आर नॉट एबल टू गेट द प्लेसमेंट. होता है या नहीं होता? यही हो रहा है. उसके बाद क्या होता है? ऑफ कैंपस ट्राई करना शुरू करते हैं लोग. कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो तो क्या करेंगे? ऑफ कैंपस ट्राई करेंगे, बाहर से जाके लोगों से बात करेंगे. वो भी जब नहीं होता तो फिर लोग क्या शुरू करते हैं? रिलेटिव्स के पास रिज्यूमे जाने शुरू होते हैं, है ना? देखो मेरा बेटे का ये हुआ है, मेरी बेटी का ये हुआ है, देखो आपकी कंपनी में कोई ओपनिंग हो. ऐसा होता ही नहीं होता. हम लोग क्या करते हैं, जब मैं कंपनी में था, एक्चुअली प्रोफाइल देखते ही पता चल जाता है कि इसका आगे नहीं होगा. प्रोफाइल देखते ही पता चल जाता है, बट आप सामने वाले को मुंह पे मना नहीं कर पाते, तो हम क्या बोलते हैं? एक तो फ्रेशर्स की जॉब नहीं है, एक्सपीरियंस वालों की जॉब है, एंड वी विल फॉरवर्ड इट टू एचआर. सुना होगा, कई लोग ऐसे सुनते आए होंगे, ऐसे बोलते हैं वी विल फॉरवर्ड इट टू एचआर, जबकि पता है कि उसके हजारों रिज्यूमे में ये 1001 रिज्यूमे हो जाएगा जिसको वो कभी कॉल नहीं करेगा, राइट? तो दोस आर द एक्सपीरियंसेस व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू कि वो डंप में क्यों चले जाते हैं रिज्यूमे. और अदरवाइज जब फाइनली बच्चे का नहीं होता तो फैमिली डिप्रेस हो जाती है, बच्चा हो या ना हो, क्योंकि उसका तो कुछ ना कुछ मन में चल रहा होता है, फैमिली डिप्रेशन में जरूर आती है. अब करना क्या है? वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिलेक्शन डायनेमिक्स ऑफ द कंपनी. कंपनी क्या देख के एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करती है, ठीक है? द फर्स्ट थिंग इज द नेम ऑफ द कॉलेज. इज इट विजिबल? इट्स विजिबल. तो फर्स्ट थिंग इज द नेम ऑफ द कॉलेज. इट मैटर्स, राइट? आप किस कॉलेज से पढ़ के आए हो? अगर आप IIT से होंगे तो एक अलग वैल्यू स्टार्ट होगी. अगर आप ET और फ्रॉम NIT से, एक अलग वैल्यू स्टार्ट होगी. तो इट सर्टेनली डिपेंड्स ऑन द नेम ऑफ द कॉलेज. उसके बाद दूसरी चीज क्या आती है? मार्क्स, हाउ मच यू हैव स्कोर्ड. ये दो चीजें तो हर बच्चे के पास हैं, चाहे कम चाहे ज्यादा. किसी ना किसी कॉलेज में तो पढ़ ही रहे हैं, एंड दे आर आल्सो स्कोरिंग सम मार्क्स. कुछ तो मार्क्स आ ही रहे हैं ना, फेल हो गए होते तो पास ही नहीं होंगे, राइट? तो मार्क्स भी कुछ ना कुछ रहे होंगे. अब जो तीसरी चीज आएगी वो एक्चुअली बच्चों में नहीं मिल रही है, एंड दैट इज स्किल, डोमेन स्किल. जो डिग्री आपने ली है, कैन यू जस्टिफाई दैट डिग्री? आई हैव बीन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी. अगर आप और भी किसी यूनिवर्सिटी की बात करो, वी आर नॉट एबल टू जस्टिफाई आवर डिग्री. वी आर ग्रेजुएट्स, दैट्स ओके. बट अगर इफ वी कीप द डिग्री असाइड और सामने वाले को बोले प्रूव दैट यू हैव कंप्लीटेड BSc, कैन यू प्रूव इट? क्या लगता है, हाउ मेनी ऑफ अस विल बी एबल टू प्रूव इट कि ठीक है मैंने BSc करी है, मतलब आई नो द सब्जेक्ट नॉलेज? कितने लोगों को लगेगा दे विल बी एबल टू डू इट? एक, राइट? कहां से ये चीज आ रही है कि हम अपनी डिग्री को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं? तो सामने वाला जॉब कैसे दे देगा जब व्हेन वी आवरसेल्फ कैन नॉट जस्टिफाई आवर डिग्री? यस नो? Yes.
फोर्थ थिंग इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मान लीजिए आपको स्किल भी आ गई, मान लीजिए लेट्स अज्यूम इट्स एन अजम्पशन जस्ट नोटिस बट लेट्स अज्यूम दैट यू हैव द स्किल, कैन यू एंडोर्स योर स्किल? देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई बैठा है, फॉर एग्जाम्पल आप जो चेक वाली शर्ट में है आपका नाम सूरज, मान लीजिए आपकी बहुत अच्छी स्किल हो गई अपनी डोमेन में, बहुत अच्छी स्किल है, बट आप मेरे को अपनी स्किल जस्टिफाई कैसे कर पाओगे दैट यू हैव गॉट द स्किल? आपको अपने कौशल बहुत अच्छे हैं, इंटरव्यू में जब इंटरव्यू में होगा तभी बता पाओगे, यस नो? जब वो इंटरव्यू में आएंगे तब वो मेरे को जस्टिफाई करेंगे आई हैव दैट स्किल, बट इंटरव्यू में तो तब आएंगे जब मैं बुलाऊंगा, और मैं तो रिजेक्शन रिज्यूमे देख के कर देता हूं। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, उनके पास अगर स्किल भी है तो ही और शी कैन प्रूव इट जब वो इंटरव्यू में आएंगे, और इंटरव्यू में तो तब आएंगे जब मैं बुलाऊंगा, और मैं तो रिज्यूमे के बेस पे रिजेक्शन और सिलेक्शन कर देता हूं, तो आपके रिज्यूमे में मेरे को कैसे पता चलेगा कि इनको बुलाऊं या ना बुलाऊं? गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, तो यू शुड हैव समथिंग टू एंडोर्स योर स्किल। I have skill, but can I endorse it that I have got that skill? There are methods which we are going to discuss it, right? अब एक-एक करके एक-एक criteria को हम marks देते हैं। Just to tell you, ये जो मैं marking यहाँ पे दे रहा हूँ, it's not कि industry वालों के पास ऐसा return marking system होता है, but this is the subjective way the selection happens। और आप भी जब देखोगे, you will get to know. तो मान लीजिए अगर कोई सी ग्रेड कॉलेज में है तो उसको हम 10 मार्क्स देते हैं, आप अपना इवेल्युएट करते जाना, आप अपने आप रिज्यूम कर लेना आप कहां पर हो। अगर कोई सी ग्रेड कॉलेज में है तो हमने 10% मार्क्स दिए उसको, 10 मार्क्स दिए। अगर कोई बी ग्रेड कॉलेज में है तो हमने कितने दिए, कितने दिए, और अगर ए ग्रेड में है 50। ए ग्रेड मान लेते हैं वो कॉलेज जैसे IITs हो गए, और सीक्रेट वो मान लेते हैं जिनका कॉलेज का नाम सुनते ही हमें समझ नहीं आता वो कौन सा कॉलेज है, राइट? और बीच में सारा बी ग्रेड आ गया, यस नो? ज्ञान कोई क्वेश्चन? तो अपने मन से मान लेना कि जो हमारा कॉलेज है हमको कितने मार्क्स मिले होंगे, बीच में देने हो 5-10 ऊपर नीचे कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज मार्क्स, अगर लेस देन 60% है तो 10 मार्क्स, अगर बिटवीन 60-80 हो तो 20% मार्क्स, 20 मार्क्स, और अगर 80 से ज्यादा हो तो कितने, 30 मार्क्स। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे होंगे वो इन दो क्राइटेरिया पे तो आ ही गए हैं, यस नो? कुछ भी मार्क्स आएंगे बट मार्क्स तो आ जाएंगे। थर्ड थिंग इज स्किल, जिसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है बट पता चल जाता है कि जब नहीं होती तो पता जरूर चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बेसिक स्किल है, बहुत बेसिक क्वेश्चन अगर आप अपनी फील्ड के आंसर कर पाते, इसका एक तरीका ये है, If I interview a person, और मैं उसको कहूँ जो तुम अपने करियर के सबसे 3 डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, यू योरसेल्फ चूज द क्वेश्चन, द मोस्ट डिफिकल्ट 3 क्वेश्चंस वो मेरे को बता दो। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, जो आपको सबसे डिफिकल्ट 3 क्वेश्चन लगते होंगे वो मैं ये आंसर कर सकता हूँ वो बता दो, उससे आपका लेवल पता चल जाएगा। रियलिटी इज कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस डिग्री लेने के बाद नेस्टेड लूप लिखने में हिल जाते हैं। इंटरव्यू टाइम पे क्वेश्चन देख के उनके नॉर्मल रिप्लाई क्या होते हैं 80-90% स्टूडेंट से, किया तो था अभी ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि कई दिन हो गए। दैट इज लाइक अगर कोई कहते हैं वो मैथ्स पास करके आया और पूछ ले रहा 3+5 या तो अभी देखना पड़ेगा अभी होगा या नहीं होगा। दैट इज अ बेसिक फॉर कंप्यूटर साइंस, क्या एक नेस्टेड लूप का प्रोग्राम लिख सकते हो। देन कम्स द एवरेज स्किल, देन कम्स द गुड स्किल, एंड देन कम वेरी गुड स्किल। अब एवरेज किसको कहेंगे, प्रॉब्ली लिख लिस्ट के प्रोग्राम, वो नहीं कि हाथ किया तो था टाइप्स नहीं, व्हेन यू आर इन इंटरव्यू यू कैन आंसर दोस क्वेश्चंस। गुड स्किल, ट्रीज के प्रोग्राम सॉल्व हो पा रहे हैं, पढ़ा होगा ट्रीज यहाँ पे, कितने लोगों ने पढ़ा है ट्रीज डेटा स्ट्रक्चर, बहुत लोगों ने पढ़ा है, क्वेश्चन पूछेंगे तो पढ़ा था
अभी पूरा याद नहीं। और वेरी गुड स्किल डायनेमिक प्रोग्रामिंग मैथ्स और डेटा स्ट्रक्चर्स में बहुत अभी करता है। अब बात आती है स्किल एंडोर्समेंट की। स्किल एंडोर्समेंट ये है कि मैंने कॉलेज में एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें मैं ये लिखा होता है ना, दिस वॉज माई कॉलेज प्रोजेक्ट। और दूसरी बात यह कि 95% क्लास का वो कॉपीड होता है। यस नो, ऐसे ऐसे कॉलेज प्रोजेक्ट्स के इंटरव्यू देखे हैं। इनमें लिखा हुआ था पेडागॉजी को इम्प्रूव करने पे कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, सो आई आस्क दैट पर्सन व्हाट इज पेडागॉजी, ये कहाँ लिखा है? ये आपके रिज्यूमे में लिखा है सर, पता नहीं, इट हैपेंस, आपके साथ ही होगा, देख लेना जब जाओगे ना एकदम को रिज्यूमे में पूछ लेगा ये कब किया था, ये भी लिखा है इसमें, पता नहीं ऐसा होता है। फिर अगली चीज आएगी एक अपडेटेड लिंक्डइन प्रोफाइल। हाउ मेनी ऑफ यू नो एक्चुअली अबाउट द लिंक्डइन प्रोफाइल? कितने लोगों के यहाँ पे फेसबुक के बारे में पता है? बाकी जिनके हाथ नीचे उनको फेसबुक भी नहीं पता, या हाथ उठाने में बहुत तकलीफ हो रही है? अभी तक सबके हाथ नहीं खड़े हुए, इसका मतलब यहाँ पे फेसबुक भी नहीं पता है। आधा फेसबुक पता वाले कितने लोग हैं? कई लोग ऐसे हाँ पता है। किसी को फेसबुक पता है यहाँ पर? रेज योर हैंड लाइक दिस। फेसबुक पता है, लिंक्डइन प्रोफाइल कितना को पता है? वेरी फ्यू। किसने पिछले 6 महीने में उसे अपडेट किया है? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? फेसबुक से आपकी जॉब मिल जाएगी, क्या लगता है? यस नो, लिंक्डइन से लग सकती है। टाइम कहाँ जाता है? फेसबुक पर। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जितना टाइम हम फेसबुक करने में लगाते हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, फेसबुक पे चैटिंग करने में, एक्सेस करने में, प्रोफाइल विजिट करने में, फोटो डालने में, फोटो पे कमेंट करने में, कमेंट आने की वेट करने में, अगर उससे आधा परसेंट टाइम पढ़ाई पे लगा दें तो एक्चुअली शायद हमारी फेसबुक में डायरेक्ट जॉब होगी। राइट, इसी के साथ एक और बड़ी रियल स्टेटमेंट इन अ वेरी फनी वे, एक फेसबुक पोस्ट था, उसने कहा था ये जो बहुत महंगी गाड़ियां होती हैं इनके एडवर्टाइजमेंट कभी टीवी पे देखे हैं? फरारी का देखा है टीवी पर? ऐसे जो महंगी वाली होती है इनके टीवी पे देखे? तो उसने नीचे लिखा ना, हमने ये महंगी गाड़ियों के एडवर्टाइजमेंट टीवी पे क्यों नहीं देखे? फिर एक गाड़ी की फोटो देखे, नीचे लिखा था क्योंकि इनको खरीदने वाले टीवी नहीं देखते। Nice 20 points किसको मिलते? जो LinkedIn profile लेके आता, उसके अलावा stack overflow, इस पे question discussions होते रहते हैं, लोग अपने points बनाते हैं, यहाँ पे कितनों ने नाम सुना है stack overflow का? Very good। अगली चीज आती है programming competition में participate करना, online programming competition, कितने लोगों ने किया है? ये वाला कौन सा programming? और then you are having a top ranking in some programming competition। किसी की है यहाँ पर अभी top 100, top 500 ऐसे किसी की ranking? तो अब हम calculation पे आते हैं, but उससे पहले again I want to reiterate, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई campus placement के लिए दूसरी company आई है, या जो आप अपनी company वाले से पूछो आपके यहाँ skill पे कितने marks देते हैं। There is no such criteria. Actually, it's a subjective process. As you look at the resume, आप दिमाग में बना लेते हो, when you discuss आप बना लेते हो कि ये होना है, right? तो अब एक usual student का हम calculation करते हैं कि उसने क्या score किया। So this is the calculation. Normally usual students क्या होते हैं average, है ना? Which is a very broad average. Define करना मुश्किल है। So one would be from some average college, B grade, right? कितने marks हुए? 30। Plus marks 60 से 80 के बीच में आ रहे होंगे, कितने हो गए? 50। Total अभी तक कितना हो गया? 50। उसके बाद domain skill
मान लेते हैं एवरेज है, मान लेते हैं, होगी नहीं पर मान लेते हैं, ये स्टूडेंट अपने आप को अच्छा मानते हैं, ये मैं उनको एवरेज बोल रहा हूँ बट ये अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं, अरे लिंक्डइन आता है हमें तो लिंक लिस्ट का प्रोग्राम भी आता है, लिंक्डइन हमने बना रखा है। क्वेश्चन क्या होता है, यू हैव अ लिंक्डइन प्रोफाइल या आई क्रिएटेड वन, एज इफ इट्स लाइक कि एक प्लॉट खरीद के रख दिया घर कभी और बनाया, या आई क्रिएटेड वन, है ना। स्किल क्या होती है, बस कॉलेज प्रोजेक्ट ही दिखाने के लिए होता है, आई डिड दिस कॉलेज प्रोजेक्ट, टोटल कितना हुआ 90 90 में क्या मिलेगा, 90 पे मुश्किल से कोई कंपनीज मिलने लगती है, राइट। एक्चुअली जो हमने टॉप प्रोफाइल्स लिखे हुए हैं उनको कितने मार्क्स चाहिए, कितने चाहिए, अब ये लोगों के आते कैसे हैं हमें समझना पड़ेगा। गोइंग बैक टू दैट साइड, किसी के 150 कैसे आते हैं, ये फेसबुक में लोग जाते कैसे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक तो यूजली दे आर फ्रॉम ए ग्रेड कॉलेजेस, यस नो, यूजली दे आर फ्रॉम, क्योंकि कंपनी वहीं पे विजिट करती है, तो ऑलरेडी हाउ मेनी पॉइंट्स दे हैव 50। उसके बाद चाहे वो मान लो बी ग्रेड, ऐसा नहीं है कि वहां पे सबके 80 प्लस आ रहे हैं, बट 60 टू 80 की रेंज में वो सारे होंगे, यस नो, वहां पे सीजीपीए होगा जो भी सिस्टम है, बट ब्रॉडली सेम दे वुड बी स्कोरिंग 20, राइट। अभी तक कितना हो गया 70। स्किल लेवल पे दे विल बी एटलीस्ट गुड, क्या हो गया 120, और वो कहीं ना कहीं लिंक्डइन स्टैक ओवरफ्लो का स्कोर होगा, या फिर स्किल लेवल उनका एक्चुअली वेरी गुड होगा 70, और वहां पे कंपटीशन में पार्टिसिपेशन हो रहा होगा, दैट वे 150 प्लस स्कोर चला जाता है। अब इस चीज पे आते हैं कि यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 150, बट बीएससी वालों को सर क्या प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे कितने बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम बीएससी, बीएससी वालों को क्या लगता है कि उनकी डायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाएगी इन कंपनीज में, क्यों, बिकॉज बीएससी एक तो स्कोर कम है, एक तो वो रीजन होगा, उसके अलावा कोई रीजन है, ये आपको सिर्फ फ्रेंड को ना बताओ कि क्या रीजन है, एक्चुअली टॉक टू मी, क्या रीजन है, रेज योर हैंड, और कौन बताएगा कि एक्चुअली क्यों नहीं हो पाएगी, मुझे हाँ क्यों नहीं हो पाएगी, इंद्रे सेशन का वन वे होने का कोई फायदा नहीं है, एक्चुअली कुछ फायदा नहीं है, किसी को पता है क्यों नहीं हो पाएगी, हाँ बताओ क्या, सिलेबस इज लेस देन बीटेक, ओके व्हाट एल्स, यस पढ़ते नहीं है, ये तो वो तो ग्लोबल प्रॉब्लम है, वो बीटेक वालों की भी है, हाँ और कोई, और कोई, और कोई बोलेगा, दो दो तो और रिप्लाई आने चाहिए, टेल मी क्या नहीं है, स्किल्स नहीं है, और कोई क्या, मतलब माइंडसेट है कि बीटेक को लेंगे बीएससी को नहीं लेंगे, हो सकता है, आपका क्या पॉइंट है, हो सकता है अच्छी कंपनी विजिट ही ना करे, हो सकता है, और कोई एक्चुअली द प्राइम रीजन इज जो भी एमएनसीज कंपनीज हैं दे फॉलो द 12 प्लस 4 एजुकेशन सिस्टम फॉर रिक्रूटिंग एनीवन, प्रॉब्लम ये है कि हमें इंडस्ट्री का पता नहीं है कि एक्चुअली हमारा नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, 12 प्लस 4 सिस्टम सेज आफ्टर कंप्लीटिंग 12th क्लास यू हैव कंप्लीटेड 4 इयर्स ऑफ एजुकेशन, राइट। बट जो बीएससी वाले स्टूडेंट है, क्योंकि मैंने भी बीएससी करी है, हमारा क्या होता है 12 प्लस 3, इट्स नॉट 4, तो हम एक्चुअली उनके जो डायरेक्ट क्राइटेरिया है उसी को फुलफिल नहीं कर पाते,
ये बात कितनों को पहले से पता थी? कुछ को पता है, पर बात ये है कि बहुतों को ये बात पहले से भी नहीं पता। बट इसका मतलब क्या है? अब तो इसका मतलब हम कंपनीज में जा ही नहीं सकते क्या? अब क्या करें? मास्टर्स करें, राइट? तो आपको कुछ ना कुछ एडिशनल डिग्री करनी पड़ेगी। बट चाहे आप एडिशनल डिग्री कोई भी कर लो, एमएससी करो, एमसीए करो, कहीं से करो, कुछ भी करो, इंडस्ट्री डायनेमिक्स फिर भी सेम रहेंगे। अगेन दैट कैलकुलेशन क्राइटेरिया कि आपने कहां से करी, कितने मार्क्स आए, व्हाट इज योर स्किल। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जो एमसीए में एडमिशन ले लेते हैं, एमएससी में एडमिशन ले लेते हैं, बट एक्चुअली वो स्कोर उनका वैसा ही रहता है। यहां तक कोई क्वेश्चन? इसके बाद एक और चीज आती है, स्टिल देयर आर एक्सेप्शंस। ये मान के चल लेना वो जो कंडीशन अप्लाई चीजें होती हैं वो लाइफ की हर एस्पेक्ट में एग्जिस्ट करती हैं। हो सकता है डायरेक्ट बीएससी के बाद ही हो जाए, आई एम नॉट सेटिंग एनी बेंचमार्क, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हो सकता है हो जाए, बट यू हैव टू बी एक्सेप्शनल। There are exceptions. You have to be exceptional because you have to agree. आप जिनकी कंपनियों में काम करने जा रहे हो, उनमें से उन्होंने ही कईयों ने अपनी डिग्री भी पूरी नहीं करी है। Yes, no? Yes. उनमें से बहुत लोगों ने अपनी डिग्री पूरी नहीं करी है, तो वो कंडीशन कैसे डालेंगे? They are always looking for exceptional people, but it should be visible in your profile. और usually हमारे प्रोफाइल में कुछ होता है। यूजुअली हमारा प्रोफाइल कैसे होता है? रिज्यूमे में देखोगे ऊपर एक ऑब्जेक्टिव लिखा होता है, जो कभी हमने खुद ही पढ़ा होता है, तो उसमें हमने लिखा क्या है? यस नो? फॉर योर स्कीम एक दो एक्सेप्शन होंगे, यूजुअली आप देखोगे तो उसमें हमने लिखा नहीं होता, उसमें लिखा होगा फ्रॉम योर स्कीम ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू मैक्सिमाइज द स्किल, ऐसे ऐसे कुछ भारी भारी वर्ड डाले होंगे जिनका मतलब ही नहीं पता होगा। उसके बाद कॉलेज का नाम मैंने बोला, वहां पे देख लोगे। उसके बाद एक और अच्छी चीज होती है, एक फ्रेशर का जो रिज्यूमे होता है और जो एक 10-15 ईयर एक्सपीरियंस का रिज्यूमे होता है सेम होता है। पता है क्यों? क्योंकि जीरो एक्सपीरियंस को भी सब कुछ आता है और 15 एक्सपीरियंस को भी उसको सब कुछ आता है। कैसे? जीरो एक्सपीरियंस लैंग्वेज इज नोन, C++, Java.NET, डेटाबेस इज नोन, OS नोन, सब कुछ लिखा हुआ है। वो तो जब इंटरव्यू में क्वेश्चन आता होता पता चला अच्छा ये तो नहीं आता, ये सिलेबस में था, राइट? तो यू हैव टू बी एक्सेप्शनल फॉर बीएससी स्टूडेंट, आप इन चीजों को कर सकते हो। पर कैंपस प्लेसमेंट कैसे रोल प्ले करती है? कैंपस प्लेसमेंट को समझना बहुत जरूरी है। जब कोई कंपनी आपके यहां विजिट कर रही है, इट इज इजियर टू गेट थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एक्सवाईजेड कंपनी आपके कॉलेज में आती है, आप किसी और आगे हायर डिग्री पर गए हो, वो कंपनी आपके कॉलेज में आ रही है, इट्स इजियर, कंपेरेटिवली इजियर टू गेट थ्रू एज कंपेयर टू उसी कंपनी को अचीव करने आप बाहर से जाओ, राइट? बट अगर ये हाई प्रोफाइल कंपनीज की हम जो बात कर रहे हैं, इनको अगर आपको अचीव करना है, ये तो सिर्फ एक ग्रेड कॉलेज में जाती हैं, अब इसमें कैसे होगा? क्या लगता है कैसे होगा? उस कंपनी में तो तब अप्लाई कर पाओगे ना जब वो कैंपस में आएगी, और वो कैंपस में तो आई नहीं रही है। यस नो? तो फिर क्या करेंगे? नहीं मान लीजिए, ये तो मतलब मास्टर करने की बात कर रहा हूं मैं क्योंकि वो सारी मास्टर्स वाले में भी वो नहीं जाते ना, सारे बीटेक कॉलेजेस में भी ये कंपनियां नहीं जा रही, ये सिर्फ एक ग्रेड कॉलेजेस में जाती है, वेरी फ्यू कॉलेजेस। तो फिर क्या करेंगे? क्या ऑनलाइन कोडिंग कॉम्पिटिशन? यस, क्या करेंगे? हमारी क्लैप भी हमारे एफर्ट की तरह, हर स्लाइड के हर एफर्ट की तरह है, थोड़ी अच्छे से क्लैप कर लें।
If your college is not in the list of those companies, if that company does not visit your campus, you have to work on endorse your skills for कि अगर किसी ढंग से even if you are able to send your resume to that company और वहां का HR by chance आपका profile देख भी ले, it should have some credential. अभी usually student के resume में जैसा हमने discuss किया, कोई credential नहीं होता है. Also, ऐसा नहीं है कि अब ये लगे कि मान लो ना तो मेरा credential है, ना मैंने कोई बहुत अच्छी company का admission joining हुई है, तो अब क्या? Even you can target this company as your second and third company. जरूर थोड़ा ना कि जाते ही आपको Microsoft में होगा, जरूरी नहीं है. But आगे भी तब हो पाएगा जब हम अपना profile जो हमने scoring बनाया था उसके हिसाब से update करेंगे. First company होगी, it's okay. फिर आगे क्या? Are we building our skill? Usually जो ज्यादा students के साथ होता है, we get comfortable. Job तो लगती है. जो 2-3 लाख की जो भी जॉब लगी, जॉब तो लगी, ठीक है, अब इसी में ऐसे चलता रहेगा. एक छोटी सी बात सोचना, जब हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, ये जो 3 लाख की जब जॉब शुरू होती है, यूजुअली इंडस्ट्री टेक्स 7-8 इयर्स कि उसका पैकेज 10 तक पहुंचे. यस नो? 7-8 साल एक्सपीरियंस के बाद पहुंचेगा, हर साल कुछ कुछ इंक्रीमेंट होता जाएगा, बीच में जॉब स्विच होगी. तो 7-8 साल लगेंगे आपको 10 लाख पर पहुंचने के लिए. On the other hand, अगर हम 1 साल की अच्छे से पढ़ाई कर लें, तो शायद हमारा डायरेक्ट हो जाए, या प्रॉब्ली एक कंपनी स्विच के बाद हो जाए. After 1 year, we can have also have that same. तो उस 10 लाख के पैकेज को पहुंचने के लिए 7 साल लगाना ठीक है या 1 साल? But हम क्या करते हैं? क्योंकि we want to be comfortable. ठीक है, comfortable, ठीक है. जो हो गया उसमें selection, तो it's okay. बाद में देखेंगे. अब अगला क्वेश्चन क्या आता है, क्योंकि जब भी कॉलेजेस में जाओ बच्चों का, अगर सी पे फोकस करें या सी प्लस प्लस पढ़े या जावा पढ़े, अच्छी कंपनीज क्या पूछती है? यहाँ पर कितने लोगों का ये क्वेश्चन है? किसी का नहीं? 1, 2, 3, 4, 5 ही लोगों का क्वेश्चन है. एक्चुअली किसी का नहीं है, या उन्होंने मान लिया कि पढ़ना ही नहीं है, सारी पढ़ लेते हैं. आई नीड इनपुट, मतलब उनको क्या लगता है कि वो सारी पढ़ लेते हैं अच्छे से या कोई भी नहीं पढ़ते? कोई ये पढ़ेंगे. होता क्या है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, इसके नीचे होता है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट. प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का बिल्ड अपॉन योर डेटा स्ट्रक्चर एंड योर एल्गोरिथम डिजाइन, राइट? हमारा ज्यादातर फोकस हो जाता है, क्योंकि हमें एफर्ट कितना देना होता है, हमें सबको पता है हम कितना एफर्ट देते हैं. एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ाई शुरू होती है हमारी, राइट? तो हमारा 3 साल का डिग्री कोर्स एक्चुअली तो 3 महीने का ही होता है. फॉर एग्जाम्पल 2 दिन पहले पढ़ाई शुरू करो, है ना? तो हमें थोड़े से अपने आवर्स स्पेंड करने हैं, वो कहाँ स्पेंड करेंगे? सोचते हैं थोड़े टाइम सी में कर ले, थोड़े टाइम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में कर ले. यस नो? ऐसे कर रहे होते हैं. जितनी भी ये हाई लेवल कंपनी की हम बात कर रहे हैं, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, जो भी हाई प्रोफाइल कंपनी है, उनका फोकस ज्यादातर टाइम्स नीचे रहता है. They are looking for programming concept. इसीलिए जो इंटरव्यू शुरू होता है, वो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की पजल्स के साथ शुरू होता है. मतलब that question will appear to you as a puzzle, but हमारे वो कॉन्सेप्ट नहीं होते. For example, question ये कैसे है कि there are 2 linked lists और वो linked list merge हो रही है नहीं हो रही, ये कैसे पता चलेगा? Question is clear. There are 2 linked lists. I have to write a function जिसमें ये पता लगाना है कि ये 2 linked lists merge कर रही हैं या नहीं कर रही हैं. कितने लोगों को यहाँ पे कुछ इसका आंसर आता होगा? 1, 2, 3 समझ आ रहा है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं? तो अब इस पे ध्यान कैसे देंगे? होता क्या है कि प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग और ये सब थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि शायद हमने उतने ढंग से इस चीज पे ध्यान नहीं दिया होगा. बट जब हम इस पे ध्यान देंगे तो ये चीजें बड़े अच्छे से हो जाती हैं. तो एक्चुअली ये इतनी सारी चीजें हैं. अभी हमने यहाँ पे कोई क्वेश्चन है जो शुरू में 5 क्वेश्चन पूछे थे कवर ना हुआ हो,
देयर वाज सम फाइव क्वेश्चन आस्क जिसका क्वेश्चन आंसर ना हुआ होगा जिन्होंने पूछा था उनको पता होगा हाउ टू मेक आवर बेसिक स्ट्रॉन्ग. इसके लिए ये करना है जब भी आप पढ़ते हो एक्चुअली क्या हम उसके हमें जब भी हम कोई एफर्ट डालते हैं हमें उसका पर्पस पता होना चाहिए. व्हेन वी आर स्टडीइंग अ बुक वी शुड नो द पर्पस ऑफ स्टडीइंग द बुक. यूजुअली आवर पर्पस इज टू क्लियर द नेक्स्ट एग्जाम. यस नो दैट गेट्स फुलफिल. व्हेन वी आर स्टडीइंग हमारा पर्पस कभी होता ही नहीं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है. यस नो वो बात दूसरी है. एग्जाम से एक रात पहले हमारा दिमाग इतना तेज चल रहा होता है उसमें और इतना आसान था ये अगले सेमेस्टर में तो शुरू से पढ़ेंगे अगले साल तो टाइम से पढ़ेंगे ये तो इतना आसान था वैसे ही समझ आया था इसी के लिए वैसे एक दो हफ्ते निकाल दिए तो एक घंटे कोई क्वेश्चन नहीं था है ना. डेली एफर्ट सम एफर्ट टू नो द कॉन्सेप्ट. जिस पर्पज से आप जो काम करोगे वो आप अचीव कर लोगे. पर्पज इज टू गेट मार्क्स वो आ जाते हैं. पर्पज इज टू गेट नॉलेज वो आ जाएगी. यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होंगे और सारे स्टूडेंट्स होंगे बट वो पर्पज कभी कभी किसी किसी सब्जेक्ट में कुछ घंटे के लिए आता होगा. ऐसा नहीं है कभी नहीं आया होगा. वो पर्पज कभी कभी किसी किसी सब्जेक्ट में कुछ घंटे के लिए आया होगा तो वो तो बहुत अच्छे से याद होगा. यस नो उसके आजू बाजू को पता नहीं कोई कोई क्वेश्चन पूछ ले तो क्या रिप्लाई आता है इट्स आउट ऑफ सिलेबस हमें तो पढ़ाया नहीं था टीचर ने जल्दी से स्किप करा दिया था. यस नो सेम चीज इज योर क्वेश्चन आंसर हाँ क्वेश्चन. Sir, I wanted to ask that every B.Tech or B.Sc student should be good programmer or good programming skills. If every company should give an internship to those students who are good programmer, every programming skills. Actually, it certainly depends on the company. कि आप किस कंपनी के जा रहे हो. बट आप देखो व्हेन यू आर गोइंग टू अ कंपनी आप अपनी कोई स्किल बताने जा रहे हो. यस नो आप किस जॉब के लिए जा रहे हो. इफ यू आर सेइंग आई एम गोइंग फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर विल दे एक्सपेक्ट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर. एक दूसरा एग्जांपल लेके समझते इस बात को. आपने एक ड्राइवर हायर करना है विल यू एक्सपेक्ट उसको ड्राइविंग आती हो. ऑफ कोर्स.